नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पचास करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डाटा लीक, लॉकडाउन को भाजपा का समर्थन, रिजर्व बैंक की समिति की तीन दिवसीय बैठक आज से। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डाटा लीक। हैकरों की एक वेबसाइट पर 50 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर के डाटा की जानकारी उपलब्ध है। ताजा रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के 106 देशों के फेसबुक यूजर से जुड़ी जानकारी, जैसे यूजर्स के फोन नंबर, फेसबुक आईडी, नाम, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल ऑनलाइन मौजूद है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह जानकारी कई साल पुरानी लगती है। फेसबुक ने भी एक बयान में कहा है यह पुराना डाटा है जिसकी जानकारी 2019 में दी गई थी। हमने इस समस्या को अगस्त 2019 में ही दूर कर दिया था। गौरतलब है कि यूजर्स की जानकारी की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक पर सवाल उठते रहे हैं। वर्ष 2018 में कंपनी ने फोन नंबर के जरिए यूजर्स के अकाउंट खोजने की सुविधा इस खुलासे के बाद बंद कर दी थी। राजनीतिक कंपनी एनालिटिका ने 8,70,00,000 फेसबुक यूजर्स की जानकारी उनकी सहमति के बिना दे दी थी। यूक्रेन के एक सिक्योरिटी रिसर्च ने दिसंबर 2019 में बताया था कि 26,70,00,000 फेसबुक यूजर्स की जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस बार जिस डाटा के उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है वह दिसंबर 2019 में मिले डाटे से संबंधित है या नहीं। तो वही दूसरी ओर लॉकडाउन को भाजपा का समर्थन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का भाजपा नेता और कार्यकर्ता समर्थन करेंगे। हालांकि सरकार को भी समाज के गरीब और मध्यम वर्गीय का ध्यान रखते हुए मदद के बारे में घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड के कारण मृत्यु संख्या बढ़ रही है, इसमें और बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसके खिलाफ सभी लोगों को सरकार को सहयोग देना चाहिए, लेकिन सरकार को भी नए स्ट्रेन से आखिर संक्रमण तेजी से क्यों फैल रहा है इसके कारण भी पता लगाने चाहिए। राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली ग्राहकों से 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की निधि एकत्रित की है। अब फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। इस बार सरकार द्वारा बिजली कनेक्शन काटना बंद करना चाहिए। तो वही तीसरी और रिजर्व बैंक की समिति की तीन दिवसीय बैठक आज से। कोविड-19 संक्रमण के मामले में अचानक आई तेजी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक सोमवार यानी 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। बैठक के नतीजों की घोषणा 7 अप्रैल को होगी। सरकार के केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एमपी द्वारा अपने नरम नीतिगत रुख को जारी रखे जाने की उम्मीद है। उनका मानना है कि रिजर्व बैंक मौद्रिक कार्रवाई की घोषणा के लिए उपयुक्त अवसर का इंतजार करेगा। इससे वह मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में रखने और साथ ही वृद्धि को प्रोत्साहन व सर्वश्रेष्ठ नतीजे सुनिश्चित कर सकेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर सिंधी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।